नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत और इटली के बीच रक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विशेष समझौते पर हुए हस्ताक्षर। बता दें कि इस समझौते का उद्देश्य रक्षा नीति और समुद्री अभ्यास को बढ़ावा देना है। हमास आतंकियों द्वारा गाजा पट्टी पर हुए हमले के 3 दिन बाद इसराइल ने गाजा के सीमा पर नियंत्रण का किया दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल में 900 से अधिक लोगों की मृत्यु तो वहीं 2600 लोगों के घायल होने की है खबर। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और भारत की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने निलंबन को लेकर दाखिल की अर्जी। 11 अगस्त को 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राघव चड्ढा को दिल्ली सेवा विधेयक ने किया था राज्यसभा से निलंबित। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के अंतर्गत भारत में 18 लाख से अधिक खाते खोले गए। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी संजय सिंह की मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की बढ़ाई कस्टडी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की हाई कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बता दें कि इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की थी याचिका। चेन्नई में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया विरोध प्रदर्शन। धान और गन्ने पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य के साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर बोला हमला। एशियन गेम्स में तीरंदाजी टीम में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले टीम को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। बता दें कि तीरंदाजी दल के 16 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा और मिश्रित टीम में भारत को दिलाए हैं पदक। हम तुम्हें चाहते हैं मूवी का ट्रेलर हुआ आउट। ऋतुपर्णा, सेन गुप्ता और राजपाल यादव की एक्टिंग का दिखेगा जलवा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर WHO ने इस बार की थीम रखी है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। बड़ी संख्या में लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के ख्याल रखने का लिया संकल्प। आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।